तो भारत की बात भी है कि अभी हमारे बीच में अपने मान कमेटी के सदस्य या कुमार के मैं उनसे भी आकर और सांसद पांडे पांडे जी उनसे भी आकर करूंगा कि मंच पर आकर के सभी रूप से माननीय प्रदेश मंत्री का स्वागत और अभिनंदन करने में सहयोग दें। सब पता है हमको कौन असली है। कुत्ता वाला काम करना बंद कर दिया। जो हमेशा देखने को नहीं मिलता है उनको आज हमको का सुबह मिला है कि
स्थिति को देखकर के काफी सुखद अनुभूति हो रही है। इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी है सरस्वती शुद्ध मंदिर जल तीर्थों के माननीय प्रचार श्री कृष्ण कुमार गीता जी से और साथ साथ माननीय महादेव उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार जी हमारे वहां के सदस्य भी आ गए हैं। आज भी जनप्रतिनिधि नाइन के माननीय अधिकारी और सदस्य उपस्थित हैं, उनसे भी नम्र निवेदन है आग्रह है कृपया मंच पर आकर के अपने माननीय प्रदेश सचिव महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन करने की कृपा करें। इस तरह से परिचय एवं स्वागत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के गति देने के लिए अगली कड़ी को संपन्न कराने के लिए मैं मंच पर अपने विद्यालय का साथ स्वागत करता हूँ कि आज के कार्यक्रम पर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अपने सर्वप्रथम विद्या मंत्र की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन कांत चौधरी जी अपने उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आकर स्वागत संबोधन देने की कृपा करें। डॉक्टर नवीन कांत चौधरी अपने संकल्प के बल पर अपने कार्य के बल पर करता हूँ
गवर्नर को भेजी थी, देखी थी हमारे मन पर ऑफिस है, उनका स्वागत है। श्री वीरेंद्र कुमार को भी बात करने के बाहर जाएंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में अपने बीच मौजूद है भारतीय संस्कृति ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री ललननाथ दीक्षित। आपसे निवेदन है कि आज के समारोह में उद्बोधन प्रदान करें अपने अध्यक्षीय उद्बोधन हमें आमंत्रित करें। मैं समझता हूँ कि नए नेतृत्व नए मंत्री जी
इन चुनौतियों का इन चुनौतियों से पार होने में मेरी सहायता करेंगे। इस थोड़ा ये टेबल को इधर करना था सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की बाकी प्रश्न अपने बीच मौजूद है महानगर कार्यवाह श्रीमान धीरेन्द्र गोपी। आपसे निवेदन है कि आज के शुभ वातावरण में अपना उद्बोधन प्रदान करें। इस अभिनंदन समारोह के अभिभावक और जिनके अभिनंदन में हम सब यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे महानुभव और इस प्रांत के नए सचिव रूप में दायित्व ले सके और जितना भारतीय कोई प्रांत में कार्य करने का मिला उसके संकल्प ले सके, उसी संकल्प के कड़ी के रूप में आज बोकारो महानगर में आए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। हम सभी राजकीय स्वयं सेवक संघ के परिवार की कार्यकर्ता है। आज इस मेला में मैं बहुत इतना प्रत्येक को तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और हम सभी कार्यकर्ता विगत दो वर्षों से कठिन परिश्रम करके अपने विद्यालय जो मान सम्मान प्रतिष्ठा बचा के आपने अभी जिसे अरविंद दीक्षित जी ने बताया, जो ऐसे कठिन समय ऐसे चुनौती के समय समान वेतन से समान उनका व्यवस्थापक जो विद्या भारती की सरकार का तन मन धन से समर्पित होकर के काट कर रहे हैं दिन रात, मैं उस समय का कर्ताओं को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ आज के दिन मंचा से अधिकारी भी है अपने अपने निजी व्यक्तिगत सारे काम शुरू करते हुए भी कि विद्यालय कैसे आगे बढ़े, विद्यालय के विकास कैसे हो, यहाँ के भाई बहनों कैसे आगे बढ़े, अपने भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा इसका उज्जवल भविष्य कैसे सभी मानव जीवन में दिखाई दे, मानव का एक जो जीवन मूल्य होता है ऐसे कहने का तो बहुत सारे विषय हम लोगों ने चर्चा कर लेते हैं। सही मायने में सही हक में आकर जीवन मूल्य की परिभाषा और जीवन मूल्य अगर कहीं दिखाई देता है तो विद्या भारती के विद्यालय से दिखाई देता है। ऐसे विद्यालय समस्त कार्यकर्ताओं को मैं महानगर कार्यवाह होने के नाते हम सभी इस परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपने अजेंडे को संघ की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कर्मा का अनुभव कार्यकर्ता अगर हम सबको मिल जाए तो निश्चित है मिला ही है। आपका अगर प्रेरणा आपका आशीर्वाद आपका पैसा आपका निर्देश अगर हम लोग को हमेशा मिलता है तो निश्चित है जो स्थिति में हम लोग हैं आगे चल करके और विकास कर सकते हैं। इतने का देवी ने आपके बारे में नहीं किया है। कुणाल सर इसको थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथ से किया अभी कार्यक्रम के जो मुख्य बिंदु है आने वाले हैं, लेकिन उसके पूर्व हम लोग सुनते हैं एक व्यक्तिगत गीत अपने जनमित्री सिंह शक्ति विद्या मंदिर आचार्य श्रीमती नीलम पांडे के मुखाग्नि से व्यक्तिगत गीत और राग है मां घोष आप श्रवण करें। आज का दिन शुभ
हरिओ आदरणीय श्रीमान नरेंद्रकांत चौधरी जी, श्रीमान धर्मनाथ उच्छेद जी, आप अध्यक्ष जो है महानुभाव, जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय आप सब अपने प्रशिक्षण अवधि में थे, आप सब दोनों अध्यक्ष महोदय हमारे पिता तुल्य हैं, शेष अपने तीनों ही समय तथा ट्रस्ट के मान्यवर अधिकारी वृंद, कार्यकर्ता वृंद, हमारे बड़े भाई कुमार जी, आदरणीय संभाग निरीक्षक कुमार कुमारकांत जी, पुत्रवर्ग रेड्डी, प्रधानाचार्य आचार्य बुद्धवर्णि, उपस्थित सभी कर्मचारी गण, जहां अपने श्रीमान नवीनीकरण की जैसे विश्वविख्यात सर्जन और विद्यालय का अध्यक्ष महोदय इंजीनियर रहते हुए समाज के चिकित्सा हेतु परिवार के अनेक सदस्यों को आपने चिकित्सक बनाया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अनेक अपने ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता वृंद है जिनका सामिध्य और स्नेह प्राप्त करने का सौभाग्य इस भौतिक शरीर को प्राप्त हुआ है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आप सभी अधिकारी वृंद, कार्यकर्ता महानुभाव, आचार्य धर्माचार्य मित्रगण, सभी भाई बहनों के सहयोग से विद्या भारती झारखंड का काल देश के श्रेष्ठतम स्तर पर पहुंचेगा। बहनों के गीत में निराशा के बीच आशा का संचार होगा। हम लोग तो शिशु काल से स्वयं सेवा कर महानगर कार्यवाह जी से चर्चा हो रही थी, अपने कार्यवाह जी संघ के कार्यकर्ता प्रचार ये सब होते हैं, इस राष्ट्र की बड़ी नीति पर समर्पित करते हैं, इसलिए उनका नाम मैंने उद्बोधन में नहीं लिया। आज हम लोग तो जिस समय अंडर पैंट पहनते थे तो शाखा पर ले जाए गए थे, पता भी नहीं था। जब बाल स्वयं सेवक था उस समय एक गीत गवाया गया, राष्ट्रभक्ति ये हृदय में वो खड़ा है राष्ट्र सारा, संकटों पर मात कर गया राष्ट्र विजयी हुआ। यहाँ अपने डॉक्टर साहब या अध्यक्ष गण महोदय जैसे पुराने पुराने स्वयं सेवक और महानगर कार्यवाह जैसे युवा तरुण मित्र इसके बीच में और सभी भाई बहन, इतने लोग जब इस विद्या भारती और संघ विचार परिवार के पर्व को अपनी उंगली लगाएंगे, इतने कृष्ण के द्वारा इस गोवर्धन को धरने का प्रयास होगा, मेरा विश्वास है निश्चित ही इंद्र के भारी अति नष्ट या किसी भी संकट से सामना करने के लिए यह टीम, यह समुदाय, यह अच्छा। कई लोगों ने मेरी प्रशंसा कई दिनों को रखा है आपने, मैं अनुभूत होकर कुंभित हूं, लेकिन अपना कुछ नहीं, तुलसी तुलसी शौक है, तुलसी बन के घास, जब से कृपा होगी तब से तुलसी घास, इस संगठन की कृपा है, झाड़ करके पोछ करके रगड़ करके इस लायक बनाया है कि आप जैसे श्रेष्ठ महापुरुषों के सामने मैं कर रहा हूं। अपना इसमें कुछ नहीं, मैं तो सामान्य सा कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता, मेरा यही परिचय है कि मैं संघ का सेवक हूँ, विद्या भारती के दायित्व में भेजा गया, ये पहला और अंतिम परिचय है।
आपके अभिनंदन से दायित्व और कार्य मेरा और बढ़ गया है। संगठन का कार्य है, संगठन ने जिसको पकड़ा या किसने संगठन को गठित किया आगे बढ़ा, संगठन का कार्य भी आगे बढ़ा, कार्यकर्ता भी आगे बढ़ा, और जिसे संगठन ने छोड़ दिया या जिसने संगठन को छोड़ दिया वो डूब गया। रामचरित मानस में तो नहीं, वर्मा रामायण की पक्ति है, प्रसंग है, जब वानर दल या बंदर भालू रामेश्वरम बाध में परिश्रम कर रहे थे, सेत बांधे जा रहे थे, राम का नाम लिखने के बाद वो पत्थर तैर रहा था, तो राम जी को लगा कि बंदर भालू क्या समझे, प्रभु से राम को लगा कि मैं भी कुछ काम करता हूँ, मैं ये लोग समझेंगे कि हमसे काम करवा रहा है और ये बैठे हुए हैं, स्वयं छिप करके गए कि कोई मुझे करने नहीं देगा। जैसे ही देखा कि छिप कर कहीं अकेले में जा रहे हैं, हनुमान रूप से साथ बोल दिए, उन्होंने पत्थर खाया और जल में डाल दिया, वो पत्थर डूब गया। हनुमंत जाताल जी जल से प्रकट हुए और कहा कि प्रभु मैंने तो देख लिया। अरे देख लिया, अपने बंदर भालू को मत बताना, नहीं तो विश्वास टूट जाएगा। नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं है, आपने जिसको छोड़ दिया तो डूबेगा, आपके नाम से नाम तैयार है, इसलिए अपनी कोई विषमता नहीं, अपनी कोई मानता नहीं, हम सब संघ के स्वयं सेवक हैं। परंतु गुरु जी के समय में श्रीमान बराग भक्त जी डिवाइडेड इंडिया और देशभक्तिया पुस्तक लिखा करते थे, प्रत्येक वर्षों का एडिशन न्यू हो जाता था, जब तक नाम नहीं लिखा गुरु जी ने उसको आद्यो का पढ़ा। जैसे ही उन्होंने लिखा भाई बराग भक्त, गुरु जी देखे और पुस्तक को रख दिया और कहा यहाँ कि तुम्हारे साथ अधिक दिनों तक लेख दिए, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं से कार्य लेना है, हमारा कार्यकर्ता ठीक बना रहे, हमारा कार्यकर्ता साधना पथ पर प्रवृत्त रहे हर समय, संघ के अधिकारी कार्यकर्ता को देखते ही हम आकर्षण करते ही हैं। आप सभी के बेस्ट श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं से भी इस प्रकार के मार्गदर्शन और स्नेह की अपेक्षा है और आप सबके सहयोग से झारखंड का कार्य आगे बढ़ेगा। यह वन प्रदेश प्राकृतिक सुषमा से भरपूर हनुमान जी का जन्म स्थल है, हनुमान जी तो मिथिला के भगना है और मैं तो मिथिला का प्रतिनिधि हूँ, पूरे विश्व में मिथिला ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है, स्वयं कष्ट में जीवन बिताते हुए भी मिथिला के असंख्य उद्यानों में पूरे विश्व में ज्ञान के प्रकाश को विस्तरण करने का कार्य किया है। भैया बहनों को कक्षा में यहाँ हुए में अपने आचार्यों के मध्य में मैंने वचन दिया, जिस क्षण अधिगम से संबंधित या कहीं भी किसी भी संबंधित कोई आवश्यकता हो, हर क्षण मैं प्रवृत्त रहूँगा, आप उससे बात कर सकते हैं, समस्या रख सकते हैं। आप सब संत के कार्यकर्ता में हम भाव है, देखिए आपका जो स्नेह है, आप सब कार्य करते हैं, हम तो पूर्णकालिक हैं, मैं महानगर कार्यवाह संघ के कार्यकर्ता है, हम सब तो राम राम करने के लिए हैं, आप सब जो अपना कार्य दैनिक करते हुए और राम राम करते हैं, ये सिस्टम आपका सहयोग, आपका ऋण हम तो कत्ते नहीं चुका सकते, संगठन पर भी रहेगा और संगठन ने जो हमें तैयार किया है, संगठन ने जो गढ़ा है, तो उसको कारण होगा मिथिलांचल से सुदूर वन प्रदेश में मुझे भेजा गया है, पता नहीं, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ भगवान ने जितनी क्षमता दी है, जितनी बुद्धि दी है, दबस्ट दिल रहा है,
संपूर्ण गांव को करते हुए झारखंड प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक संगठनों के विकास के लिए कुछ भी उठा नहीं रखूंगा, कुछ भी बाकी नहीं रखूंगा, आपका सहयोग अपेक्षित है। हमारे प्रधानाचार्य आचार्य भाई बहन कर्मचारी बंद है, कोरोना के काल में कहीं न होते हुए जो परिश्रम किया भैया ने हमको जोड़े रखा है, आप सबको विद्या विकास समिति से विद्या भारती साधुवाद है, आप सबको। आइए हम सब लोग मिलकर संगठन ने जो कार्य ग्रहण किया अपना विद्यालय केवल स्कूल चलाने के लिए नहीं, ये कुछ लोगों को रोजगार देने के लिए, कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, हमने जो संकल्पना की है परंतु दूरी के समय राष्ट्र के मूल नागरिक हम सब दे पाएंगे और ये बच्चे बड़े होकर के आज अनेक क्षेत्र में देश की सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से राष्ट्र को उन्नत बनाने में समर्पित है, और भी आगे हम सबका प्रयास जारी रहेगा। आप सब उपस्थित हुए, आप सब ने इस छोटे से संगठन के सबसे छोटे कार्यकर्ता का अभिनंदन किया है, सम्मान किया है, स्नेह प्रदर्शित किया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, महानगर अल्पाज से विशेष अपेक्षा रहेगी कि आप मातृ संगठन के प्रधान हैं और बच्चा जो नक्षत्र भी करता है ना, या स्नेह से जो बालक अजगर करें माता पिता मोदन रहे, तुलसीदास जी ने कहा है तो आप मातृ संगठन के प्रधान हैं, आपसे अर्णिश संगठन सहयोग की अपेक्षा रहेगी, आप सभी समिति के ट्रस्ट के महान भागों की उपस्थित सभी भाई बहनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः पुनः आपका धन्यवाद, नमस्कार। जो आचार्य इस विद्यालय के हैं उनको जो आज पाठ्य मिला
आपके बिना माननीय प्रदेश के चीफ के बाद मैं तो जिला विशेष में पहुंचा, लेकिन मैंने जितना ही श्रवण किया, मैंने जितना ही सुना, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सचमुच में अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो यह जो निशा निराशा का जो वातावरण है और निश्चित ही निश्चित दूर होगा। उन्होंने कोई भी ऐसा आदर्शवाद नहीं की जो आदर्शपूर्ण बात हो, आदर्शवाद को कैसे व्यवहारिक जीवन में उतारा जा सकता है इसका उन्होंने वर्णन किया। और यह काम करके हमको बहुत ही आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य हुआ कि यह इतना हमने एक आदर्श जो हम जिस संस्कार की बात करते हैं, जिस चीज की बात हमेशा करते हैं विद्या भारती के द्वारा किया जाता है, और कैसे समाज में इस विद्या भारती के संस्थान विद्यालयों को प्रतिष्ठित किया गया, यह आदर्शपूर्ण बात है, इसको व्यवहारिक स्तर पर कैसे उसको अमली जामा पहनाया जाए, यह जब मैंने सुना तो मुझे विश्वास पूर्ण विश्वास हो गया कि अगर हमारे आचार्य बंधु भगिनी और कर्मचारी बंधु भगिनी अगर उसको अमल करेंगे, और कोई भारी चीज उन्होंने नहीं बताया, इसको अमल नहीं किया जा सकता, लेकिन छोटी छोटी बात और इतना सुंदर उन्होंने बताया जो हमारे आचार्य बंधु भगिनी सीखे हम अगर इस पर अमल करें तो निश्चित रूप से आज जो निशा निराशा का वातावरण है उससे हम बाहर निकलेंगे, और हम जिस परम वैभव की बात करते हैं उस परम वैभव को निश्चित रूप से, और ऐसे अपने प्रदेश सचिव जो नवनियुक्त प्रदेश सचिव जो ऐसे अपने लिए हैं, यह हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है। वो सिर्फ इतने भी हमारे कार्य ठीक कहा उन्होंने कि सभी कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम सभी कार्यकर्ता हैं, लेकिन हर कार्यकर्ता को एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी। हमें गौरव है कि आपके जैसे मार्गदर्शक हमें इस प्रांत को मिले हैं और हम गौरवान्वित हैं, और हमें आशा है कि हम आपके मार्गदर्शन में पुनः सफलता को प्राप्त करेंगे जो हमसे छूट गया है। आप अपना समय निकालकर, हमने आपसे आग्रह किया था कि आप हमें समय दें, हम ऐसा करना चाहते हैं, आपने मना किया था, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन नहीं किया जाता है। हमने कहा कि नहीं, अगर अपने परिवार के लोग भी कुछ सफलता प्राप्त करते हैं उनका भी अभिनंदन होगा, इसीलिए आपको आना ही होगा, और हमने बहुत आग्रह किया, आपने हम समूह के आग्रह को स्वीकार किया, इसके लिए और आप समय निकाल के आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार आपके प्रति, पूरे विद्यालय परिवार और पूरे भारतीय संस्कृति ज्ञान मंदिर संस्था की ओर से आपका हम पूरा तीनों विद्यालय आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच पधारे। बंधु ऐसा है, अभी चर्चा चल रही थी अपने मातृ संगठन हम लोग क्यों हैं, आप मूलभूत बात जानिए, अपने परम पूजनीय गुरु जी पत्रकार सम्मेलन में थे, हालांकि संघ के पदाधिकारी जिस जवान में परम पूजनीय गुरु जी हुआ करते थे पत्रकार सम्मेलन नहीं होता, लेकिन कुछ पत्रकार उनको घेर लिए और एक विदेशी पत्रकार ने उनसे पूछा व्हाट इज आरएसएस। आप लोग को पता होगा कि परम पूजनीय गुरु जी बहुत ही हाथी जवाबी थे, उन्होंने तुरंत कहा एकदम शॉर्ट फॉर्म में आरएसएस इज नथिंग बट इट इज ओनली एमक्यू। पत्रकार ने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमक्यू प्लीज एक्सप्लेन, बोला एमक्यू मींस एम एम इनटू एम इनटू एम, उन्होंने काइंडली एक्सप्लेन, उन्होंने कहा कि आपने पूछा हुआ कि आपने पूछता बढ़िया से आप पूछते कि राष्ट्रीय स्मृता हम उसे बताते, आपने कहा कि व्हाट इज आरएसएस, हमने शॉर्ट में कहा कि एम इनटू एम इनटू एम, बोला काइंडली एक्सप्लेन, बोला ठीक है बात है यार, एक मैन मेकिंग मशीन मनुष्य निर्माण करने का यह उपकरण। गुरुजी आज से कितने वर्ष पहले विदेशी पत्रकार को यह बोले और उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए संघ की शाखाएं लगती हैं और संघ के विभिन्न अनुसंधिक क्षेत्रों में काम होता है, और यह मनुष्य निर्माण करने का जो यंत्र है वह सबसे बड़ा प्रेरक यंत्र है, तो विद्या भारती के विद्यालय है जो हम मनुष्य निर्माण करके समाज को दे सकते हैं, और यही बात भारत केंद्रित शिक्षा की बात आज
नई शिक्षा प्रणाली में दी गई है, जिसकी चर्चा हमारे माननीय प्रदेश सचिव महोदय ने की है, और इसको हमको करना है। हम इस अवसर पर माननीय प्रदेश सचिव महोदय से हमारे विभाग प्रमुख जी का सानिध्य हमेशा मिलता है, उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है लोगों को, और बहुत सारी समस्याओं का निदान हम कर पाते हैं। प्रदेश सचिव जी से मेरा विशेष आग्रह है कि आप अभी जो समय है और ये नई शिक्षा पद्धति पर, आप भी जानते हैं, आप कहीं भी जिस प्रकार से आपने समझाया, आप जिस प्रकार से आपने लोगों के बीच बात को रखा, उससे यह बहुत स्पष्ट हो गया कि आप एक बहुत ही एक साधक शिक्षक के रूप में आपने अपने जीवन का निर्वाह किया होगा। जो शिक्षण कैसे किया जाता है इसका आपको बहुत बेहतरीन अनुभव, यही अपने अनुभव का लाभ लेने के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप विद्यालय के आचार्यों का प्रशिक्षण वर्ग करें। अगर आपका वह रांची में संभव नहीं है, यहाँ 3 विद्यालय हैं, इस संकुल में 5 विद्यालय हैं, 5 विद्यालय के आचार्य का पूरे एक दिन का प्रशिक्षण वर्ग आप करें, और उसमें हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप उपस्थित रहें। और भी कोई अगर जिनको आप समझते हैं कि इस अवसर पर बुलाया जा सकता है उनको बुलाया जाए, और ये नई शिक्षा नीति और किस प्रकार से हम और भी बढ़िया से कर सकते हैं इन कार्यों को, उसके लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस पर चिंतन करें, और हमारा यह बहुत विशेष आग्रह होगा, इससे विद्यालय को बहुत ही लाभ होगा। बहुत समय नहीं लेते, बहुत समय भी किया है, इसीलिए अंत में मैं अपने मंचासीन तमाम पदाधिकारियों और नीचे मंच के सामने बैठे हुए तमाम पदाधिकारियों, सभी आचार्य बंधु भगिनी, कर्मचारी बंधु भगिनी, सबों का हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं जो आप सभी उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और हम अगर आज आपका सम्मान किए हैं, या आपका सम्मान कम, या हम सब गौरवान्वित हुए हैं आपको सम्मानित करके, हम यही करना चाहेंगे अंत में, और सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और इस कार्यक्रम को सफल करने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चीजों का भी सहयोग मिला है, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं, मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त करते हैं। अंत में सबको एक बार हृदय तल से आभार व्यक्त करते हुए सभी को साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में कल्याण यहाँ से बोला जाएगा, सावधान मुद्रा में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा किया है।